डोसा बैटर में से डोसा तो आप लोगों ने बहुत बार बना के खाया होगा, लेकिन जब भी हम डोसा बनाते हैं तो इसमें से थोड़ा सा डोसा बैटर ज़रूर बच जाता है। तो वही बचे हुए डोसा बैटर में से आज मैं आपके साथ सुपर टेस्टी क्रिस्पी क्रंची चकली की रेसिपी शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ निधि। तो चलो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल जितना दालिया लेंगे। इसे कई लोग फूटाना भी बोलते हैं, भुना चना दाल भी बोलते हैं और पफ चना दाल भी बोलते हैं। तो अभी हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करके इसका पाउडर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने दालिया का एकदम बारीक वाला पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अभी हम इसे साइड में रखेंगे और एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर एक कप जितना डोसा का बैटर डालेंगे। यहाँ पे मेरा एक कप जितना डोसा का बैटर बचा था तो मैंने यहाँ पे एक कप जितना लिया है। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे दालिया को, जो हमने मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करके इसका बारीक पाउडर तैयार किया था। यहाँ पे हमें एक कप जितना डोसा का बैटर हो तो एक कप यहाँ पे हमें दालिया को लेना है। और अभी मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबलस्पून जितना गेहूँ का आटा। अभी हम इसके ऊपर मसाला डालेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून जितना रेड मिर्ची को डालूँगी। तीखा यहाँ पे आप जितना पसंद करते हो इसके हिसाब से डाल सकते हो। और 1/2 TSP जितना हम डालेंगे हल्दी पाउडर को। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे सॉल्ट को और 1 टेबल स्पून जितना हम डालेंगे इसके अंदर तिल को और 1/2 टेबल स्पून जितना हम डालेंगे अजवाइन को। 2 पिंच जितना हम इसके अंदर डालेंगे हींग को। 4 से 5 टेबलस्पून जितना हम यहाँ पे ऑयल को डालेंगे और आटा अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे डोसा का बैटर यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पे पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे हमें आटा तैयार करना है। आटा तैयार करने के वक्त आपको लगे कि आपका आटा थोड़ा लूज है तो आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच जितना गेहूं का आटा मिला सकते हो। अभी हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और आटा अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। इस तरह से हमें आटे को तैयार करना है, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा लूज। अभी ये आटे को हमें बिल्कुल भी रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस तरह से हम सिलेंडर शेप दे देंगे इसे। अभी हम चकली बनाने का साँचा लेंगे और इस तरह से ऑयल से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। मैंने आपके साथ पहले भी चकली की रेसिपी शेयर की हुई है, वो मैंने गेहूं और चावल के आटे की बनाई थी, तो वो भी टेस्ट में सुपर लगती है। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सांचे को यहाँ पे हमने ऑयल से ग्रीस करके तैयार कर लिया है। अभी हम इसके अंदर आटे को डालेंगे। एक सिलेंडर शेप वाला जो आटा तैयार किया है वो इसे हम डाल देंगे। अभी इसके अंदर जगह और है तो हम थोड़ा सा और आटा डाल देते हैं। अभी हम सांचे को बंद कर देंगे। अभी हम यहाँ पे एक स्टील की प्लेट ले लेते हैं और इसके अंदर हमें इस तरह से चकली को बनाना है। इस तरह से सर्कल शेप में हमें सांचे को गोल गोल घुमाते जाना है और चकली का शेप देते जाना है और इसकी फर्स्ट और लास्ट एजिस को हमें चिपका देना है, जिससे ऑयल में जाने के बाद भी हमारी चकली खुलेगी नहीं। आप यहाँ पे छोटी बड़ी जो भी साइज़ की बनाना चाहते हो वो साइज़ की आप यहाँ पे बना सकते हो। ऑयल को भी मैंने साइड में गर्म करने के लिए रख दिया है। हम एक तरफ चकली को बनाते जाएंगे और एक तरफ हम चकली को फ्राई करते जाएंगे। दोनों काम हम साथ में ही करेंगे। तो एक बैच के अंदर जितनी चकली आ जाए इतनी चकली हमने यहाँ पे बना के तैयार कर ली है। अभी हम इसे ऑयल के अंदर डालेंगे। ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट है कि नहीं है इसे हम चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा डालेंगे। आटा डालते ही तुरंत ऊपर आ गया है, इसका मतलब यही है कि ऑयल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। तो अभी हम इसके अंदर चकली को डालेंगे। इस तरह से हमें चकली को इसके अंदर एक एक करके डाल देना है
और गैस की फ्लेम को अभी हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे हमें यहाँ पे चकली को फ्राई करना है। चकली को आपको गलती से भी हाई फ्लेम के अंदर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो चकली ऊपर से तो गोल्डन हो जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेगी, तो आपको इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। चकली को ऑयल के अंदर डालने के बाद आपको इसके अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं डालना है और चकली को उलट पुलट भी नहीं करना है। अगर आप इसे उलट पुलट करने जाओगे तो चकली टूट जाने का डर रहता है, तो आपको इसके अंदर चम्मच डाल के उलट पुलट नहीं करना है। ऑयल के अंदर चकली पूरी तरह से डीप हो जाए इतनी ही चकली हमें इसके अंदर डालनी है, यानी कि 6 से 7 नंग ही डालना है। ये पूरी तरह से फ्राई हो जाए तब भी आपको इसके अंदर चम्मच को डालना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरी तरह से गोल्डन हो चुकी है और चकली बिल्कुल भी टूटी भी नहीं है, तो अभी हम इसे बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से हम चकली के सभी बैच को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। मार्केट के अंदर चकली स्टिक शेप में भी मिलती है, तो वैसा भी आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, तो वो भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से आपको प्लेट के अंदर लंबा लंबा ही आपको स्टिक जैसा बनाना है और नाइफ़ की मदद से आपको इस तरह से कट कर देना है। अभी हम इसे ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। चकली तो आपने बहुत सारी बना के खाई होगी, लेकिन इस तरह से डोसा बैटर में से बनने वाली चकली टेस्ट में लाजवाब है, सुपर लगती है। कोई कह नहीं पाएगा कि आपने ये चकली को घर पे बनाया है, मार्केट जैसी ही लगती है, क्रिस्पी, क्रंची और करारी। एक बार आपने ये चकली को बना के खा लिया तो जब भी आप डोसा बैटर बनाओगे तब भी आप जानबूझ के डोसा बैटर को ज़्यादा ही बनाओगे कि हम लोग चकली बनाएंगे इसकी। बच्चों के टिफ़िन में और चाय के साथ कुछ न कुछ नमकीन तो हमें खाने के लिए चाहिए ही, तो आप इस तरह से डोसा बैटर में से चकली भी बना के बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो और चाय के साथ भी खा सकते हो। सुपर टेस्टी लगती है सच में फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो ही आपको पता चलेगा। एक बैच को फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 मिनट के बाद यहाँ पे हमारी स्टिक भी बहुत ही अच्छे से फ्राई होके तैयार हो चुकी है, तो अभी हम इसे बाहर निकाल देंगे। वाओ, कितनी सुंदर लग रही है, क्रिस्पी, क्रंची, कुरकुरी, सुपर टेस्ट के साथ यहाँ पे हमारी चकली बनके तैयार हो चुकी है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के 1 मंथ तक रख सकते हो। ये चकली हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही एकदम टेस्टी लगती है ये चकली। मैं इसे आपको पास से भी दिखाती हूँ, कितना कलर बढ़िया आया है, कोई कहीं नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पे बनाया है, वो भी बचे हुए डोसा बैटर से बनाया है। बाजार से भी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरह की नई नई रेसिपी को देखने के लिए मेरी चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। तो मैं निधि आपको फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी कुकिंग।